सो गाइस, ये ठंडा हो गया है, स्टफिंग ठंडा हो गया और चलो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर से डालने के लिए स्प्रिंग ऑनियन लिया हूँ, सॉरी ऑनियन स्लाइस करके लिया है। और ये है सॉस, रोटी के ऊपर लगाने के लिए सॉस है ये। और ये ऊपर से नींबू डालने के लिए मैं ये यूज़ कर चुका हूँ एक बार, तो इसमें से और जूस निकालेंगे। ये काट के लिया है, मेरे पास विनीगर नहीं है सो मैं काट के यूज़ कर रही हूँ। बस सो आपको मैं थोड़ा नज़दीक लेके जाती हूँ वहाँ पर लाइट में। सो ये दिखाई दे रहा ना, मैं आटा गूंथ के रखी हूँ। सो लेट्स बनाना शुरू करते हैं। गाइस देखते रहिएगा, मैं रोल बनाना स्टार्ट कर दिया है। स्प्रेड कर रही हूँ इसको। फिर ये स्टफिंग को डालेंगे अभी। ऊपर से फिर थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए इसमें जूस डाल दिया। ये नींबू की सीड्स डला गया, नींबू की सीड्स डला गया था। सो अब इसको हम लोग रोल करेंगे ऐसे। देखो गाइस, ब्यूटीफुल कलर बन गए हैं। देखो पनीर रोल, मैं इसको अभी सो मैंने इसमें पैक कर दिया है, इसको भी खाना होगा, फ्रेश निकाल के खाएंगे। बहुत टेस्टी डिलीशियस बनी है गाइस, आप लोग भी ट्राई करना ये वाला पनीर रोल। आज सैटरडे है तो मैं सैटरडे को बना रही हूँ ये, क्योंकि बाकी दिन तो टाइम नहीं होता है तो इसलिए आज ही बना रही हूँ।
देखो स्टफिंग फिर है गाइस, देखो पूरा फिलिंग है सो मैं हाथ को थोड़ा गीला पोंछ लेती हूँ। सो मैं बना बना के रख रही हूँ तो लंच के लिए भी बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए भी बनाया बना रही हूँ और लंच के लिए भी बनाया। सो यहाँ पे बना के तैयार हो गया गाइस। सो गाइस रेडी हो गया यहाँ पे बना के। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई व्लॉग्स। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग्स नई रेसिपी के साथ। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।